हेलो लालचंद, प्लीज हेलो सर। अपने बारे में कुछ बताइए हमें। सर मेरा नाम लालचंद कुमार होता है। सर मैं जयपुर जिले के जोबनेर टाउन से संबंध रखता हूँ। सर मैंने अपनी स्कूलिंग अपने होम टाउन से एक प्राइवेट स्कूल से की है। उसके बाद सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन जयपुर के राजस्थान यूनिवर्सिटी के कॉमर्स कॉलेज से कॉमर्स स्ट्रीम से कंप्लीट की है। साथ ही में सर मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा से 2015 में कॉमर्स स्ट्रीम से कंप्लीट की है। उसी के पैरेलल सर मैंने कंपनी सेक्रेटरी की डिग्री 2015 में रिसीव की है। और उसके बाद मैंने 2015 से लेकर और 2017 तक एज ए कंपनी सेक्रेटरी के रूप में प्रैक्टिस की है कंपनी लॉ के क्षेत्र में। और उसके उपरांत सर मैंने कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की और अभी मैं नाबार्ड के इंटरव्यू के लिए तैयार हूँ सर। लालचंद, मैं देख पा रहा हूँ आपका इतना अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड रहा है। आपने कंपनी सेक्रेटरी जैसे उच्च एग्जाम को क्वालिफाई किया है और अभी आप प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी की तरह भी अच्छे से काम कर रहे थे। देन अब आप क्यों नाबार्ड में जाना चाहते हैं, क्यों आप नाबार्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाट इज द रीजन, क्या रीजन है इसका? सर इसके कुछ मॉनेटरी रीजंस भी हैं और कुछ कैरियर से रिलेटेड रीजंस भी हैं सर। जैसे कि देखा जाए कि नाबार्ड एक अपने आप में एक ब्रांड है। वहाँ पे एक सोशल अच्छी प्रेस्टीज मिलती है कि कैरियर अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है। ऐसा नहीं कि सर वर्तमान जॉब में कुछ कमियां थी या फिर ये मेरे लायक नहीं थी, बट सर हर एक कैंडिडेट ये चाहता है कि उसकी लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी आए और वो अच्छे कैरियर अपॉर्चुनिटी प्राप्त करे। तो सर मेरा भी यही मानना था कि मुझे एक ऐसे फील्ड में जाना चाहिए जहाँ पे मैं खुद को एक्सप्लोर भी कर पाऊँ और साथ ही में मेरे खुद के जो इंडिविजुअल क्वालिटीज है उनमें इम्प्रूव हो सके। तो इसलिए मैंने फिर नाबार्ड को सर चूज किया। ऐसे कौन से इंडिविजुअल क्वालिटीज आपको लगती हैं जो आप इम्प्रूव करना चाहते हैं या आप में है जो नाबार्ड में हेल्पफुल साबित होगी? जी सर, सर जैसा कि सर नाबार्ड के बारे में कहा जाता है और नाबार्ड का ये काम भी है कि वो विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर कार्य करता है और मोस्टली सर इसका जो कार्य क्षेत्र होता है वो रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो नाबार्ड में जो एक्सप्लोरेशन मिलता है तो मुझे भी ऐसा लगता है कि सर मैं विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर अपने जितने भी जो क्वालिटीज है लाइक जिस कि सर किसी के साथ अच्छे से इंटरेक्शन कर पाना, लोगों की समस्याओं को समझना और उनके साथ अपने आप को कोलेबरेट करना, ये सारी जो क्वालिटीज है मुझे लगता है कि मैं नाबार्ड में रहकर ये इम्प्रूव कर पाऊंगा सर। तो ये आपको ऐसा नहीं लगता लालचंद कि आप एज अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी होते हुए भी आप क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे हैं जहां पे आपको उनकी प्रॉब्लम सुलझानी रहती है रिलेटिंग टू कंप्लाइंसेज, लॉ से रिलेटेड जो होती है, उसमें भी आप कहीं ना कहीं उनसे इंटरेक्शन कर रहे हैं और आपकी जो इंटरनल क्वालिटीज हैं वो वहां भी इम्प्रूव हो रही हैं? तो आप स्पेसिफिकली नाबार्ड को ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? आप कुछ और भी ज्वाइन कर सकते थे, आप आरबीआई देख सकते थे, आप सेबी देख सकते थे, फिर नाबार्ड ही में आपकी इतनी खास रुचि क्यों है? सर जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि सर नाबार्ड एक अच्छा कैरियर अपॉर्चुनिटी तो देता ही है। उसके अलावा सर जो नाबार्ड में जो मैंने अप्लाई किया है वो कंपनी सेक्रेटरी फील्ड से अप्लाई किया है, तो मुझे अपने फील्ड का अनुभव मैं नाबार्ड के लिए यूज कर पाऊंगा और अपनी जो भी क्वालिटीज है उनमें इम्प्रूव कर पाऊंगा। मैंने अपनी जो पुरानी जो भी वर्क एक्सपीरियंस है उनमें मैंने ये चीजें सब अनुभव की है, परंतु मुझे सर अभी लगता है कि जिस प्रकार से समय में बदलाव और खुद के क्वालिटीज को इम्प्रूव करने का हमें मौका मिलता है, तो मैं अपने आप के डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए खुद को इम्प्रूव करने का प्रयास करना चाहिए। इसी इसलिए मैंने सर निश्चय किया कि नाबार्ड में ही मेरे को जाना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा है लालचंद। एक और सवाल, आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी ले लिया है, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड भी आपका अच्छा है कॉमर्स बैकग्राउंड को लेकर, आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी तीन मुख्य विशेषताएं हैं जो आपको सीखने को मिली कंपनी सेक्रेटरी या कॉमर्स बैकग्राउंड की तरफ जिसको आप नाबार्ड में यूज कर सकते हैं? जी सर, जैसा कि सर यदि एकेडमिक के तौर पे देखा है, जब मैंने ग्रेजुएशन की उस दौरान मैंने कॉमर्स जो अकाउंटेंसी में एक रूल चलता है सर प्रिंसिपल कि यदि आपने अपने अकाउंट्स में एक छोटी सी भी गलती कर दी तो आपके पूरे फाइनेंशियल ईयर का जो भी डेटा है वो दोबारा आपको प्रिपेयर करना पड़ सकता है। तो ये चीज मैंने अकाउंट्स के इस प्रिंसिपल से ये सीखा कि यदि हम कोई भी कार्य करेंगे यदि उसमें छोटे से भी किसी भी प्रिंसिपल का आपने यूज नहीं किया या किसी भी अकाउंट्स का जो प्रिंसिपल है उसका हमने पूरी तरीके से फुलफिलमेंट नहीं किया तो हो सकता है हमें फ्यूचर में उसके लॉसेस बियर करने पड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये प्रिंसिपल मैं नाबार्ड में भी यूज करके जो जो भी डेवलपमेंट के कार्य होंगे या जो भी मेरे को असाइन किए जाएंगे कार्य
मैं उनको उन रूल्स को फॉलो करते हुए अपने कार्य को पूरी तरीके से अच्छे से कंप्लीट कर पाऊंगा। दूसरा सर कि कंपनी सेक्रेटरी के तौर पे कार्य करते हुए मैंने एक चीज ये सीखी है कि जो भी कंप्लायंसेस आपको रूल्स और रेगुलेशन या एक्ट के अकॉर्डिंग बताई जाती है उनको यदि हम अच्छे से फॉलो करेंगे तो कंपनीज की जितनी भी जो लीगल कंप्लायंसेज होती है वो कम हो जाएगी, साथ में कंपनीज की जो भी गुडविल्स होती है वो गुडविल अच्छे से बढ़ पाती है। तो मेरा ये प्रयास होगा कि मैं नाबार्ड में जितने भी रूल्स रेगुलेशन जो भी एक्ट्स हैं उनका अच्छे से पालन करूं ताकि नाबार्ड का जो एक अच्छे से ब्रांड बना हुआ है उस ब्रांड को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। तो ये चीजें मैं कोशिश करूंगा कि नाबार्ड में ये चीजें इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। आखिरी सवाल एक और, क्योंकि आपने काफी ज्यादा लॉस के बारे में बात करी है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रिसेंटली कंपनीज एक्ट में क्या ऐसी चीजें इनकॉर्पोरेट करी गई हैं, क्या चीजों को लाया गया है जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है या फिर सोशल इश्यूज को केटर करती हैं? क्या ऐसा कोई प्रोविजन है जो कंपनीज एक्ट में डाला गया है? जी सर, सर जो 2013 का जो कंपनीज एक्ट आया है उसमें एक सीएसआर से रिलेटेड एक नया प्रोविजन डाला गया है जिसमें यह बताया गया कि समाज से रिलेटेड जो भी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उससे रिलेटेड कंपनीज को अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करनी होगी, क्योंकि कंपनीज समाज में रहकर ही अपने प्रॉफिट्स जनरेट कर पाती है तो कंपनीज की ये लायबिलिटी होती है कि अपने प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा समाज को दें। उसी के मद्देनजर कंपनीज एक्ट में एक नया आर्टिकल डाला गया 135 जिसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि हर वो कंपनी जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ और जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ रुपीज होगा और जिसका प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट नेट प्रॉफिट 5 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा होगा उसको प्रीवियस 3 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट का मिनिमम 2% सीएसआर के रूप में एक्सपेंडिचर के रूप में खर्च करना पड़ेगा। तो सर ये प्रोविजन डाला गया और साथ ही इसके अलावा सोशल ऑडिटिंग और ग्रीन ऑडिटिंग की भी एक जो कॉन्सेप्ट है वो भी लाया गया सर। इसमें बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट का क्या रेलेवेंस है एनवायरमेंट को लेकर? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। ठीक है मनीष सर। सो लालचंद, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। ओके, सो हम राजस्थान के एग्रीकल्चरल बेस से स्टार्ट करते हैं। तो आप राजस्थान से हैं, जयपुर से, कैपिटल सिटी से हैं आप। सो राजस्थान का जो एग्रीकल्चर बेस है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। सर राजस्थान का जो क्लाइमेट है, बेसिकली जयपुर का जो क्लाइमेट है उसको गंगेटिक क्लाइमेट के अंडर में जाना जाता है, जहाँ पे नॉर्मली रबी, खरीफ और जायद की फसलें की जाती है, 3 सीजन की फसलें की जाती है। और यहाँ पे मुख्यतः यदि हम एग्रीकल्चर क्रॉप्स की बातें करें तो यहाँ पे गेहूं और बाजरा मुख्य जो फसलें हैं वो उगाई जाती है। और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो विभिन्न प्रकार की जो यदि हम बोले कि खाद्यान्न फसलें हैं उनके लिए ज्यादा उपयुक्त है यहाँ पे। उसके अलावा जो नकदी फसलें होती हैं उनका इतना वृद्ध स्तर पे उत्पादन नहीं होता। और सर यहाँ का जो क्लाइमेट देखा जाए यदि हम वार्षिक औसत वर्षा की बात करें तो अराउंड सर 57 से 60 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है सर। और सर यहाँ की जो सोइल है वो जलोढ़ मृदा के रूप में जानी जाती है। जी, तो अभी आपने गैंजेटिक प्लेन्स का नाम लिया, तो राजस्थान में गंगा तो बहती नहीं है तो उसको गैंजेटिक प्लेन्स में क्यों रखते हैं हम? सर बेसिकली जो पूरे इंडिया के जो क्लाइमेट रीजन को विभिन्न भागों में बांटा गया जिसमें एक गंगेटिक क्लाइमेट रीजन है जिसमें मुख्यतः गंगा के आसपास के क्षेत्र को शामिल किया जाता है। और उसमें सिर्फ गंगा नदी के आसपास के क्षेत्र को शामिल करते हुए साथ में उसकी जो सब्सिडरीज जो रिवर्स होती है उसके क्षेत्र को भी शामिल किया जाता है। तो उसके जो सब्सिडरीज जिसमें यमुना और चंबल रिवर्स भी शामिल है तो जो चंबल रिवर है उसका फ्लो राजस्थान के ईस्टर्न इलाके से होता है तो इसलिए इसको गंगेटिक प्लेन में सर डाला गया। ठीक है, चंबल नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, कोई दो आप बता पाए तो? जी सर, सर चंबल नदी पे एक राजस्थान का प्रमुख शहर कोटा शहर बसा हुआ है। उसके अलावा सर एक चित्तौड़ शहर भी बसा हुआ सर। अच्छा, तो चंबल नदी राजस्थान के अलावा कौन कौन से स्टेट्स में जाती है क्या आप बता पाएंगे? जी सर, सर चंबल नदी मुख्यतः मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान होते हुए फिर वो यूपी के नजदीक यमुना में मिल जाती है। ठीक है, तो अभी आप एक प्रैक्टिस इन लॉ इन कंपनी लॉ नामक एक कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके एम्प्लॉयर का नाम है राइट? जी सर। तो यहाँ पे आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, थोड़ा सा लाइट देंगे? हाँ सर, बेसिकली कंपनी सेक्रेटरी रूप में
किसी भी व्यक्ति के पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो कि वो खुद का प्रैक्टिस का कार्य कर सके, जैसे कि सर मैंने किया, खुद का प्रैक्टिस किया, उसके लिए हमें खुद को अपनी फर्म बनानी होती है, जैसे कि जैसे लॉ फर्म बनती है हम देख पाते, तो उस तरीके से मैंने अपनी फर्म बनाई थी। तो उसमें बेसिकली सर जो मेरा काम था वो था कि जो जितने भी क्लाइंट्स आते थे उनको इंडिविजुअली तौर पे उनको अपनी सेवाएं प्रदान करना, जैसे सर नई कंपनीज का जो निर्माण होता था तो उससे रिगार्डिंग उनको सेवाएं मैं प्रदान करता था, उसके अलावा इनकम टैक्स से रिलेटेड भी कुछ सर्विसेज मैं उनको देता। ठीक है, तो भारत सरकार का ये टारगेट है कि किसानों की आय को दुगना कर दिया जाएगा 2022 तक, तो आपके हिसाब से ये कितना सही है, मतलब ये टारगेट अचीव किया जा सकेगा या नहीं किया जा सकेगा, और अगर किया जा सकेगा तो कैसे, और नहीं किया जा सकेगा तो क्यों नहीं? सर इसमें देखा जाए तो सर कि जो फार्मर्स की इनकम डबल करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो सरकार के जितने प्रयास है वो सराहनीय है। उसके लिए सर जो सरकार ने एक अशोक दलवाई कमेटी बनाई थी 2016 में, उसने अपने रिकमेंडेशन दी है। उसके अलावा सरकार ने भी कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे सर कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए हैं, उसके अलावा टेक्निकल रिफॉर्म किए गए, जैसे हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की बात करें सर, जैसे फसल बीमा योजना है, उसके अलावा प्रधानमंत्री किसान वो कृषि सिंचाई योजना हुई, मृदा जो सॉइल हेल्थ कार्ड हुए, एक सवाल मैं आपसे यहाँ बीच में पूछना चाहूंगा कि जो फसल बीमा योजना है, अभी पिछले ही साल एक रिपोर्ट आई थी कि फसल बीमा योजना इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई, तो क्या आप इसको एक बैकड्रॉप मानते हैं सरकार का? सर कोई भी स्कीम है, उस स्कीम का यदि हम त्वरित रूप से उसका रिजल्ट देखना चाहे तो हमें लगता है कि किसी एक वर्ष के आधार पर उसका मूल्यांकन करना उचित नहीं होता। परंतु सर यदि हम देखा जाए तो इस जो फसल बीमा योजना चलाई है उससे किसानों को बहुत हद तक उनके जो बीमा है उनको प्राप्त करने में मदद मिली है, उनको जो कृषि में जो भी नुकसान हुआ है उन नुकसान की भरपाई करने में इसने मदद की है। हाँ सर इसमें ऐसा है कि कई जगहों पे लूप होल्स है, इसमें कंपनीज ने जो इंश्योरेंस पे करने में जो डिले किया है उसकी बदौलत ऐसा कहा जाता है कि ये अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पा रही। परंतु यदि सर यदि कंपनीज को ओबलाइज किया जाए कि वो अपने जो भी ड्यूज है उनको त्वरित रूप से उनको किसानों को वापस पे करें तो इसकी जो सक्सेस रेट है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो क्या आप एक ऐसे स्टेट का नाम बता सकते हैं जहाँ पे अभी हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को सब्स्टिट्यूट करके एक स्टेट स्कीम लागू कर दी गई है? सॉरी सर इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, आप जयपुर से हैं, आपने पत्रिका गेट का नाम जरूर सुना होगा। जी सर, जी सर। क्या है ये? सर बेसिकली ये राजस्थान पत्रिका ने एक ऐसा गेट बनाया जिसमें जयपुर की जो नौ द्वार है वो नौ द्वार दिखाई देते हैं और जिससे जयपुर की संस्कृति और कल्चर एक प्रेजेंट किया जा रहा है और इसका जो लोकार्पण है रिसेंटली माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, इसलिए ये सुर्खियों में रहा। ठीक है, आपने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का नाम सुना होगा, उसमें आपको ये बताना है कि जो एंट्री की एज है मिनिमम वो कितनी है? सर मैं श्योर नहीं हूँ बट सर मैं ट्राई कर सकता हूँ। सर इसकी एंट्री की एज है 18 वर्ष। ठीक है, और मैक्सिमम कितने तक इसको बेनिफिट लिया जा सकता है? सर इसमें भी मैं श्योर नहीं हूँ बट मैं कोशिश कर सकता हूँ सर, इसमें लगभग सर मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ 40 ईयर्स। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा ये बताइए, राजस्थान के किसी भी 3 GI टैग्स का नाम बता दीजिए। सर एक तो सर कोटा डोरिया जो साड़ी है कोटा की फेमस, उसके अलावा जयपुर की ब्लू पॉटरी है सर, और सांगानेर हैंड ब्लॉक जिसमें भी प्रिंटिंग की जाती है सर। ठीक है, तो एक लास्ट सवाल है मेरी तरफ से, आपने सॉइल हेल्थ कार्ड का नाम जरूर सुना होगा। जी सर। सॉइल हेल्थ कार्ड में कितने न्यूट्रिएंट्स की जानकारी दी जाती है आप बता सकते हैं? सॉरी सर एक्चुअल क्वेश्चन है, आई अंडरस्टैंड। जी सर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं, मैं सर इसके बारे में और जानकारी। जी, पंचायती राज डे कौन से दिन मनाया जाता है? सर 24 अप्रैल। क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप दे पाए तो? जी सर, सर 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज एक्ट लागू किया गया था जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान में संशोधन करके इन पंचायती राज संस्थानों को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया था। ठीक है, हेलो जी मैम, अब आपको आ रही है मेरी आवाज और कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है? हाँ मैम आवाज आ रही है, कोई डिस्टरबेंस। हेलो, आप कुछ बोलेंगे?
जी मैम आवाज आ रही है। ठीक है ठीक है, आप सुन पा रहे हैं ना अच्छे से? जी मैम अच्छे से सुन पा। अच्छा, तो आपने अभी हमें बताया था CSR के बारे में, जो कंपनीज एक्ट में चेंजेस आए थे। सो CSR आपने बताया कि कैसे कंपनीज के लिए इम्पोर्टेंट है और कंपनीज को करना चाहिए क्योंकि वो सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज करते हैं, राइट? सो बट इसका एक काउंटर पॉइंट भी है, जो पहले माना जाता था या पहले ऐसा माना जाता था कि कंपनी को CSR करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप क्या उसके पीछे कुछ रीजंस बता सकते हैं कि वो फिलोसफी क्यों थी और उस फिलोसफी को चेंज क्यों किया गया? जी मैम, पहले ऐसा बोला जाता था कि कंपनीज जो भी काम करती है वो सोसाइटी के अंदर रहकर काम करती है, तो कंपनीज खुद अपने खुद के सो मोटो एक्शन लेके जो भी सोसाइटी से रिसोर्सेज लेती है उनका उनके बदले उनको कुछ ना कुछ पे करेगी। परंतु जैसा देखा गया कि जो बेसिकली कंपनीज का जो मोटो होता था वो अल्टीमेट गोल उनका प्रॉफिट होता था, तो कंपनीज अपने प्रॉफिट्स को ध्यान में रखती थी और समाज और जितना भी एनवायरनमेंट था उसके प्रति वो इतनी ज्यादा सीरियस नहीं थी। तो फिर ऐसा देखा गया कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसका डिग्रेडेशन हो रहा है, साथ में समाज के जितने भी जो वर्ग है उनके बीच में जो इनकम डिस्पेरिटी है वो बढ़ती जा रही। तो इसके मद्देनजर सरकार ने ये प्रावधान किया कि कंपनीज को अपनी जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरी तरीके से लागू करवाने के लिए कानून का सहारा लेना पड़ेगा, और इसीलिए ये अमेंडमेंट करके ये इसमें प्रोविजन डाला गया। ओके, तो सिंस हम लॉज की बात कर रहे थे, तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड लॉज में या फार्म लॉज के लिए कुछ चेंजेस लाने के लिए प्रपोज किया है, तो आप हमें उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? जी मैम, अभी एट प्रेजेंट गवर्नमेंट ने 3 बिल्स प्रेजेंट किए हैं जिनका अभी पूरे देश भर में विरोध भी चल रहा है, परंतु देखा जाए तो उन एक्ट्स का जो मेन मोटो है वो लॉन्ग टर्म में एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट का मोटो है। तो इन 3 एक्ट का यदि हम पहले बात किया जाए तो पहला एक्ट है उसमें जो एग्रीकल्चर फार्मिंग है, जो जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कही गई है, जिसके अंतर्गत ये बताया गया कि जो किसान है उनको जितने भी कॉरपोरेट फर्म्स है कॉरपोरेट कंपनीज है वो डायरेक्ट किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उनकी जो फसल है उसको वो यूज करके उनके बदले उनको रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करा सकती है। उसके अलावा एक दूसरा ये जो बिल है उसमें ये प्रावधान किया गया कि जो भी किसानों को जो भी इनकम या जो भी उनकी उपज है उनका उनको उचित तरीके से उनका लाभ मिले, उनकी कीमत मिले, और साथ ही में उनको मंडी से बाहर जाकर भी अपने उत्पादों को बेचने का एक मौका मिले। और तीसरा जो एक्ट या जो बिल है उसमें ये प्रावधान किया गया है कि जो भी एसेंशियल गुड्स है उन गुड्स की जो स्टॉक लिमिट थी उस स्टॉक लिमिट्स को इन्होंने समाप्त कर दिया। तो ये 3 एक्ट्स लाए गए हैं। तो इनका प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, आप उसके रीजंस बता सकते हैं? मैम बेसिकली देखा जाए तो इन एक्ट्स को पढ़ने के बाद, जैसा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो इन एक्ट्स को पढ़ने के बाद ऐसा कहीं भी नहीं लगता कि सरकार किसानों के विरोध में कुछ ऐसा कर रही है। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक एक एजेंडा भी है, और साथ में मुख्यतः इसमें जो विरोध हो रहा है वो पंजाब और हरियाणा के किसानों द्वारा किया जा रहा है, और उनकी जो बेसिक जो मांगे हैं उन मांगों के संबंध में देखा जाए तो उनकी सबसे बड़ी डिमांड एक तो MSP है, दूसरा जो निजी मंडियां हैं ओपन करने की बात कही गई है, उनके बारे में उनके कुछ कंसर्न्स है। तो उन कंसर्न्स को यदि सरकार एड्रेस करके उनके साथ बातचीत करेगी तो शायद ये आंदोलन समाप्त किया जा सके। ओके, तो इसका मतलब आपको लगता है कि अगर प्राइवेट प्लेयर्स इस फील्ड में आएंगे तो फार्मर्स के लिए बेनिफिट होगा और उससे उनको नुकसान नहीं होगा, राइट? मैम अभी देखा जाए तो अभी इमीडिएटली इसका हमें आकलन करने से बचना होगा, क्योंकि कोई भी बिल या कोई भी एक्ट आता है उसका जो रिजल्ट आता है वो आने वाले समय में हमें बताया जाता है या उसका पता लगता है कि उसका बेनिफिट वास्तव में होगा या नहीं होगा, तो हमें इसके लिए इंतजार करना होगा और देखना पड़ेगा कि कितना बेनिफिशियल। अच्छा, तो ये तो थी एग्रीकल्चर की बात, बट अगर हम सेम चीज को बैंकिंग में अप्लाई करें, और जैसा कि वैसे RBI को बहुत कंजर्वेटिव बैंक माना जाता है और उनको ज्यादा ओपन नहीं माना जाता, बट अभी रिसेंटली उन्होंने कुछ फॉरेन बैंक को थोड़ा अलाउ किया है इंडिया बैंकिंग में आने को, तो क्या आप कुछ बता सकते हैं कि क्या ये फॉरेन बैंक्स की एंट्री इंडिया में स्पेशली जो रूरल एरियाज हैं वहां पे फाइनेंशियल इंक्लूजन के प्रोसेस के लिए, या फिर जिन लोगों के पास बेसिक बैंकिंग सर्विसेज भी नहीं है उनको इंक्लूड करने के लिए बेनिफिशियल होगा, या फिर क्योंकि इंडिया में एक ट्रेंड है कि हम काफी प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध करते हैं जब भी कोई फॉरेन एंटिटी का एंट्री की बात होती है, तो क्या ये फॉरेन बैंक्स की एंट्री इंडिया में बेनिफिशियल होगी? एंड माय सेकंड क्वेश्चन टू यू इज कि
ये जो फॉरेन बैंक की एंट्री हो रही है ये किस बैंक के फेलियर की वजह से हो रही है? तो रिसेंटली एक बैंक फेलियर की वजह से ही इसका न्यूज में आ रहा है नाम, तो आप इसके बारे में कुछ बताइए। जी मैम, मैं पहले सेकंड जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना चाहूंगा। जो लक्ष्मी विलास बैंक है मैम, उसके फेलियर की वजह से जो DSB बैंक है सिंगापुर का, उसको भारत में बिजनेस या उसकी शाखा को बढ़ाने के लिए, फिर उसके लक्ष्मी विलास बैंक का उसमें विलय करने की बात को लेकर ये अभी मुद्दा चल रहा है। तो इसलिए अभी यह मुद्दा बना हुआ कि फॉरेन बैंक को भारत में इस तरीके से, जिस प्रकार RBI ने डायरेक्ट एक तरीके से मार्केट दिया है लक्ष्मी विलास बैंक का जितनी भी शाखा है, क्या ये उचित है, इसके संबंध में अभी ये सब कुछ चल रहा है। तो मैं इसके बाद आपके पहले प्रश्न पे आता हूँ मैम। जैसा आपने बताया कि इनको भारत में इस तरीके से अलाउ करना क्या उचित होगा या नहीं होगा, तो इसके संबंध में मैम मैं डायरेक्ट कहने से बचूंगा, लेकिन मेरा यह मानना है कि सरकार के द्वारा फिर RBI के द्वारा जो भी अभी वर्तमान की जो समस्याएं हैं या वर्तमान में जो बैंकों की हालत है उसको देखते हुए RBI के द्वारा ये जो कदम उठाया गया है उसमें कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि जो भी बैंक है उनके पास अभी उनका NPA बढ़ रहा है कोरोना की वजह से भी, और साथ में जो उनका जितने भी उनके एसेट्स है वो एसेट्स प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रही है। तो RBI का मानना है कि यदि फॉरेन बैंक को ये सारी चीजें उनको ऐसा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एक साथ प्रोवाइड करा दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं इन बैंकों की वित्तीय हालत भी सुधारने में मददगार होगी, और साथ में कि सरकार RBI ने वैसे भी ये ऑब्लिगेशन लगा रखी है कि जो भी फॉरेन बैंक्स होंगे उनकी कुछ शाखाएं रूरल एरियाज में होनी आवश्यक है। तो इसमें अभी हमें देखना होगा इन फ्यूचर की आगे RBI और क्या स्टेप लेती है, परंतु हमें यह सोचना होगा वर्तमान में कि बैंकों की जो वर्तमान हालत है उसको उभारते हुए पूरी अर्थव्यवस्था को किस तरीके से हम एक अच्छे स्टेप की ओर ले जाए। तो ये तो आपने की बैंक्स की बात की, ठीक है कि डोमेस्टिक बैंक्स पे इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, बट मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि क्या जो हम एक गांव में या फिर रिमोट एरियाज में लोगों को फाइनेंशियली इंक्लूड करने की बात करते हैं या उन्हें बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने की बात करते हैं, तो उन पर फॉरेन बैंक्स की एंट्री का क्या असर होगा? तो आपको लगता है कि क्या उस किसी तरीके से इनकी एंट्री को यूज करके हम उन्हें इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर वो टोटली एक्सक्लूड हो जाएंगे, उनको टोटली नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा या टोटली इग्नोर कर दिया जाएगा? मैम देखा जाए तो जिस प्रकार से लक्ष्मी विलास बैंक है उसकी जो शाखा है वो विभिन्न रूरल एरियाज में भी है, तो फॉरेन बैंक का यदि भारत में ऐसा इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा तो ऐसा जरूर हो सकता है कि हाँ ग्रामीण क्षेत्रों में फॉरेन बैंक्स का बेनिफिट है वो ग्रामीण क्षेत्रों तक बढ़ेगा और लोगों को उन फॉरेन बैंक्स में अपने अकाउंट्स या फिर जो भी उनको बैंकिंग सर्विसेज वो उनको मिलने की आशा हमें दिखाई देती है। तो ठीक है, आपका बैकग्राउंड कॉमर्स का है, आपको बॉन्ड्स के बारे में तो आइडिया होगा ही, तो क्या आपने रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स के बारे में सुना है? तो पहला क्वेश्चन कि इनको कौन इश्यू करता है, सेकंड चीज इनको खरीदता कौन है, और इससे बैंकिंग सेक्टर का और गवर्नमेंट का क्या बेनिफिट हो सकता है? जी मैम, बेसिकली जो बॉन्ड्स होते हैं वो उनको रेगुलेट सेबी करता है मुख्यतः, और इनको इश्यू करने वाला कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो सकता है या फिर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई बैंक हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, और इनका बेसिकली इनमें ये किया जाता है कि जो भी बॉन्ड्स होते हैं उन बॉन्ड्स को जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं या फिर जो भी कंपनीज होते हैं उनकी कैपिटल में उनको कन्वर्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, बट शायद आपने क्वेश्चन ढंग से सुना नहीं, मैं आपसे रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स की बात कर रही थी स्पेसिफिकली, नॉट इन बॉन्ड्स इन जनरल। तो रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स के बारे में अगर आप कुछ बता पाए। जी मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ मैम। बेसिकली बॉन्ड्स कंपनी की एक तरीके से लाइबिलिटी होती है, तो जो बैंक या सरकार बेसिकली करती क्या है कि जो बॉन्ड्स होते हैं उस लाइबिलिटी को कैपिटल में कन्वर्ट की करती है, जिस वजह से क्या होता है कि जो उनकी जो शेयर होल्डिंग होती है बॉन्ड्स धारकों की वो कंपनी या उन इंस्टीट्यूशन में शेयर होल्डिंग बढ़ जाती है, तो कुल मिला के जो कंपनी की कैपिटल्स होती है उस कैपिटल में कन्वर्ट किया जाता है बॉन्ड्स, इसी को कैपिटलाइजेशन ऑफ बॉन्ड बोला जाता है। अभी भी शायद आप सही टर्म नहीं समझ पा रहे हैं, मैं रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स की बात कर रही थी जिनको बैंकिंग सेक्टर को बूस्ट देने के लिए गवर्नमेंट लेके आना चाह रही थी। तो अगर रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स के बारे में आप कुछ बता पाए तो मैं अभी वो एग्जैक्ट समझ नहीं पा रहा हूँ, रिकैपिटलाइजेशन मेरे माइंड में रिकॉल नहीं हो पा रहा हूँ। ओके ओके ओके, माय लास्ट क्वेश्चन, आपने RCEP के बारे में सुना है? जी मैम।
तो आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि इंडिया का उस पर क्या स्टांस है और उसके पीछे के रीजंस क्या हैं? जी मैम, मैम सबसे पहले आरसीपी के बारे में बताऊं तो आरसीपी एक रीजनल कॉम्प्रेसिव इकोनॉमी पार्टनरशिप है जो 10 आसियान कंट्रीज के साथ ही जो प्रशांत और इंडियन जो ओशियन है उसके जो 6 अन्य कंट्रीज है वो उसमें साझेदार है, जिसमें अभी वर्तमान में 15 कंट्रीज है जिसमें भारत ने अपना नाम वापस ले लिया है। और ये बेसिकली जो आरसीपी ये पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को बढ़ावा देता है। मुख्यतः जो भी जितने जो मेंबर्स कंट्रीज होंगे उनमें जो भी गुड्स और सर्विसेज होगी उनमें उनको बिना किसी ड्यूटी या बिना किसी टैक्सेस के फ्री फ्लो को बढ़ावा देगा। तो भारत ने इसके इसमें जो अपना नाम वापस लिया है उसके पीछे भारत के कुछ कंसर्न्स थे, जैसे कि इसमें से बताया गया कि यदि भारत आरसीपी में शामिल होता तो भारत में चीनी वस्तुओं की बाढ़ सी आ जाती और भारत को अपने जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनको बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता। और साथ में ही पहले ऐसा बताया गया था कि जो डेयरी और जो एग्रीकल्चर मार्केट है वो जो ऑस्ट्रेलिया में डेवलप है उसका भारत में पूरी तरीके से कैप्चर हो जाता है, वो भारत का जो मार्केट है वो भारत के डोमेस्टिक जो जितने भी इंडस्ट्रीज है उनसे निकल जाता हाथ से। तो सरकार ने भारत के स्वयं के डोमेस्टिक मार्केट को बचाने के लिए और डोमेस्टिक जितने भी प्लेयर्स हैं उनको बचाने के लिए, साथ में जो चीनी वस्तुएं हैं उनको भारत में बाढ़ के रूप में आने से बचाने के लिए ये स्टेप लिया और भारत ने ये एक लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए ये स्टेप उठाया। थैंक यू, दैट विल बी ऑल। शुभम सर, टू यू। लालचंद, आई जस्ट हैव वन लास्ट क्वेश्चन। जैसे कि आपको पता है कि जो कंपनी सेक्रेटरी है वो सेक्रेटेरियल ऑडिट में इन्वॉल्व होते हैं कंपनीज के, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सेक्रेटेरियल ऑडिट का क्या रोल है बैंकिंग सेक्टर में? क्या बैंक को लेके कुछ प्रोविजंस हैं सेक्रेटेरियल ऑडिट को लेके, उसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली सर मेरा सेक्रेटरियल ऑडिट से रिलेटेड कोई काम पड़ा नहीं है तो मेरे को सर इसके बारे में अभी कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, बट सर मैं इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करूंगा। ठीक है, ठीक है, जरूर पढ़ लीजिएगा इसके बारे में।